उपस्थित सभी बंधुओं और बहनों नमस्कार। हम आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और जैसा कि आयोजनकर्ताओं ने भी अपने को बार बार कहा है, मैं एक बार फिर आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि हम किसी भी हालत में हमारा माइक ऑन न करें, क्योंकि अब हमें केवल सुनना है। और यदि आप माइक ऑन करते हैं और आपकी आजू बाजू की आवाज़ें, बच्चों की आवाज़ें हैं या टीवी की आवाज़ें यदि आती हैं, तो मैं जो कुछ बता रहा हूं तो वह आप सब लोग ठीक से सुन नहीं पाएंगे और मैं भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाऊंगा। इसलिए सबसे पहला नियम यह है कि किसी भी हालत में हम अपना माइक ऑन नहीं करें, क्योंकि ये चर्चात्मक कार्यक्रम नहीं है, ये केवल भाषण है, तो हमें केवल सुनना है। जिस समय भाषण समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम चाहो तो और माइक ऑन कर सकते हैं। तो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया है। तो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि यह जो है क्या है, यह थोड़ा सा अपन प्रारंभ में समझेंगे। वास्तव में संघ का जो मूल काम है वह है कार्यकर्ता निर्माण करना, और ऐसे जो कार्यकर्ता निर्माण होते हैं वे और बाद में अपने अपने रुचि के अनुसार विभिन्न काम कार्य क्षेत्रों में और जाते हैं। कुछ तो संस्थात्मक का संगठन रहते हैं, उनमें जाते हैं, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, विश्व हिंदू परिषद है, ऐसी करीब 40-50 संस्थाएं अखिल भारतीय स्तर की हैं, तो उनमें से किसी इसमें काम करते हैं, या फिर संघ के ही जो विभिन्न कार्य विभाग है, शारीरिक विभाग, बौद्धिक विभाग, संपर्क विभाग आदि जो 6 विभाग है उनमें काम करते हैं। इसके अलावा यह गतिविधि यह जरा नया प्रकार है, तो यह वास्तव में संघ का कार्य विभाग नहीं है, तो यह समाज में चलने वाली गतिविधि है और जो प्रारंभ से ही चल रही है, वो कोई संघ ने प्रारंभ की ऐसा नहीं है। तो उन गतिविधियों में संघ के संस्कारित कार्यकर्ता जो हैं वह उस गतिविधि में अपना पहुंचे और वहां पे व्यवस्थित रूप से यह गतिविधि चले, इस दृष्टि से प्रयत्न करें, ऐसा यह गतिविधि का स्वरूप है। तो इसमें संघ के कार्यकर्ता बहुत कम संख्या में रहेंगे और समाज में इस गतिविधि में पर्यावरण के लिए काम करने वाले जितने भी संस्थाएं हैं, व्यक्तिगत रूप से काम करने वाले हैं या अन्य प्रकार से जो काम करने वाले हैं, उन सब लोगों के बीच में और संपर्क करना, उनसे परिचय प्राप्त करना और उनके बीच में एक मंच का काम करना, इस प्रकार का यह गतिविधि का स्वरूप है। संघ से इसका केवल संपर्क संबंध केवल इतना है कि संघ के कुछ कार्यकर्ता इनिशिएटिव लेकर और इसकी ओर देख रहे हैं। तो हमें और हम सब लोग जो हैं पर्यावरण प्रेमी हैं और इस दृष्टि से हम इस गतिविधि में जुड़े, हमारे अलावा अन्य लोगों को भी अपन और इसमें जोड़ सकते हैं। तो यह जो गतिविधि है इसमें काम करने अलग अलग स्तर पे काम करने वाले अपने को मिलेंगे। कुछ तो व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं, कुछ परिवार के रूप में भी काम कर सकते हैं, कुछ जो है अपनी जो सोसाइटी है जिसमें अपन रहते हैं वो सोसाइटी के स्तर पे काम कर सकते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें ग्राम के स्तर में काम हो सकता है, स्थानीय स्वराज्य संस्थाएं जो है नगर पालिका, ग्राम पंचायत, नगर निगम वगैरह इस स्तर पर भी काम होता है। कुछ स्वयंसेवी संगठन जो है केवल पर्यावरण के लिए ही काम करने वाले रहते हैं, और इसके अलावा शासकीय जो मशीनरी है वह भी इसमें और काम करती है। ऐसे अलग अलग लेवल पर और उस प्रकार से काम करने वाले और बहुत बड़ी तो यह जो विभिन्न प्रकार के स्तरों पर जो काम होता है, तो उनमें से और आज हम विचार करेंगे व्यक्तिगत रूप से हम क्या काम करेंगे और परिवार के रूप में, उसमें भी मोटे तौर से परिवार के रूप में हम क्या काम कर सकते हैं। तो इसके लिए इस गतिविधि में अखिल भारतीय थोड़ी सी रचना बनी है और उस रचना के अनुसार और कुछ मार्गदर्शन के रूप में है ये बताया है। ये अपने लिए बाइंडिंग नहीं है कि हमें इसी प्रकार से काम करना है, हमें तो हम काम अपने मन से करेंगे। हरित घर यह एक कल्पना दी है कि इस कल्पना के आधार पर और हम अपने अपने परिवार में और पर्यावरण का काम कर सकते हैं। तो उनमें मोटे तौर से और 5 बातें हैं
कि जिन पांच बातों पर हम और अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, तो उनको क्रमशः मैं और आपके सामने बताऊंगा। यह जो मैं आज बताने वाला हूं, यह कोई नई बात नहीं है। इनमें से अधिकांश बातें जो है हम सब लोग जानते हैं और कई लोग इनको अपने जीवन में आचरण में भी लाते होंगे, किंतु फिर भी एक बार और उसका अपन सब लोग सामूहिक रूप से विचार करें। और यह जो बातें हैं, यह बातें हम हर व्यक्ति सब बातें कर सकता है ऐसा भी नहीं है, उसकी जो स्थिति है उसके अनुसार वह कर सकता है। घर कितना बड़ा है, आंगन है कि नहीं, तो यह सब बातें विभिन्नता होने के कारण और अभी जो अपन बात कहने वाले हैं उनमें से सब बातें तो अपन नहीं कर सकते हैं, किंतु हमारी जो स्थिति है तो उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम और जो कुछ कर सकते हैं वो हमने और करना चाहिए। तो पहली बात जो है वह है घर का पानी घर में, ऐसा कहा गया है। घर का पानी घर में का मतलब हम पानी का और कम से कम मितव्यता से उपयोग करें, कम से कम उपयोग करें ऐसा नहीं कहता हूं, हमें जो आवश्यक है वो तो हम करेंगे ही, किंतु मितव्यता से उपयोग करें। और दूसरी बात, जो बरसात का पानी आता है उसके संचयन की हम व्यवस्था करें, जिसको अंग्रेजी में वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, या हम उसे वर्षा जल संचयन ऐसा कह सकते हैं। तो हम अपना यदि स्वयं का घर है, किराए में नहीं रहते हैं, हम घर के मालिक हैं, तो हम इसमें बड़े आसानी से कर सकते हैं। और इसके जो तरीके हैं वह यहाँ अभी बताने की और इतना गुंजाइश नहीं है, किंतु और हम अपने घर में वाटर हार्वेस्टिंग लगाए, उसके लिए हम अपना व्यक्तिगत जो घर है उसमें भी लगा सकते हैं और हम सोसाइटी में भी लगा सकते हैं। हमारी जो मल्टीमीडिया हम रहते हैं तो उस सोसाइटी के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो पहला जो बात है वर्षा जल संग्रहण संचयन, दूसरी बात पानी के उपयोग में मितव्ययता। हम अपने घरों में अनावश्यक रूप से बहुत सा पानी और व्यय कर देते हैं, हमें समझ में नहीं आता। तो उसमें सबसे बड़ी बात ये जो है कि जो अपनी नलों की टोटियां हैं, टैप जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वह टैप इस प्रकार के रहते हैं कि उसमें और मितव्ययता से पानी आए, यानी उसमें और मिस्ट लगा रहता है। मिस्ट का मतलब फुहार जैसे उसमें से निकलती है, तो ऐसे मिस्ट वाले जो नल है वह यदि हम लगाते हैं तो हम काफी कुछ पानी का लगभग 60% तक का पानी उसमें हम बचा सकते हैं। दूसरी बात, पानी पीने के लिए हम जब गिलास में पानी लेते हैं स्वयं के लिए भी, या हम कोई हमारे घर में आता है, तो आज पद्धति ऐसी बन गई है कि हम पूरे गिलास लेकर और पूरा भर के उनको प्रस्तुत करते हैं, तो वो थोड़ा सा पानी पी लेता है और बाकी वह छोड़ देता है। चूंकि वो झूठा पानी रहता है तो इसका कोई उपयोग नहीं होता। हम यदि विचार करें तो कितना पानी हम इसमें और व्यय करते हैं, तो हमने यह अपनी आदत लगाना चाहिए कि हम जब भी प्रस्तुत करें पानी जग से और जितना आवश्यक है उतना ले, या हम देते समय ही आधा गिलास पानी उसको दे, आवश्यकता हो तो और ज्यादा दे, तो ऐसा ये आधा गिलास, दूसरी बात है। तीसरी बात, और हमारे यहाँ और कई लोगों को और नहाने की जो आदत है वह शावर से लगा करने की आदत है, तो शावर से जब हम नहाते हैं तो उसमें भी और काफी ज्यादा मात्रा में पानी व्यय होता है, तो उसके बजाय हम और बाल्टी भर पानी ले, दो बाल्टी ले, तीन बाल्टी ले, जितना अपने को चाहिए ले, किंतु बाल्टी और मग्गे से हम यदि नहाते हैं तो शावर से नहाने के अपेक्षा हम काफी कुछ पानी का और बचत कर सकते हैं। तो यह तो दूसरी बात हुई पानी की मितव्ययता, पहली बात वर्षा जल का संचयन, दूसरी बात मितव्ययता, उसमें मिस्ट वाली टोटी लगाना, आधा गिलास पानी देना, शावर से नहीं नहाना, तो ये जो बातें हैं। इसके अलावा फिर पानी का हम पुनर्उपयोग कर सकते हैं। अब अधिकांश घरों में आरओ पानी का लगाता है, लगा रहता है आरओ की मशीन, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस से वह पानी जो है शुद्ध होता है, तो उसमें हमें ध्यान में ये आता होगा कि जिस समय हम पानी को शुद्ध करते हैं उस समय और एक नीली ट्यूब रहती है उससे काफी पानी बहता रहता है, तो वह उस प्रोसेस का अंग है, उसको हम बंद नहीं कर सकते, किंतु वह जो पानी है उसको हम और इकट्ठा करके उसकी व्यवस्था बनाना पड़ेगी हमें, उसको जो है उसको व्यवस्था में और स्टोरेज कर ले और उस पानी का उपयोग कर सकते हैं। वह पानी किसी भी प्रकार से और खराब नहीं है, केवल उसमें और जो
लवण की मात्रा है, क्षार की मात्रा है, वो बढ़ जाती है, तो पीने के लिए हम उसका उपयोग नहीं कर सकते, किंतु बाकी अन्य जो बहुत से काम है, अपने बगीचे में डालना है, बर्तन धोना है, बर्तन मांजना है, कपड़े धोने में तो जरा उसमें दिक्कत जाएगी क्योंकि उसमें लवण ज्यादा रहेंगे तो साबुन ज्यादा लगेगा, किंतु फर्शी धोना है, तो ऐसे सब कामों के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसा यह आरओ का पानी का हम पुनर्उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, कई घरों में आजकल एसी लगते हैं, तो हम देखते हैं कि एसी में से भी और पानी निकलता है, वह जो पानी है वह वास्तव में सबसे शुद्ध रहता है, क्योंकि वातावरण में जो पानी की वाष्प है, वह वाष्प जो है वह और पानी में बदल जाती है, तो उसका उपयोग हम, और उसको यदि इकट्ठा करने का व्यवस्था करें तो उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। तीसरी बात, वॉशिंग मशीन में भी हमारे यहाँ कपड़े धुलते हैं और वॉशिंग मशीन में जो पानी निकलता है तो वह कुछ तो पानी साबुन वाला रहता है, कुछ साफ भी रहता है, तो इनका भी पानी का उपयोग जो है हम बगीचे में देने के लिए कर सकते हैं अपने, और झाड़ू पोछा के लिए भी कर सकते हैं उससे, बल्कि पोछा यदि लगाते हैं तो हमारी फर्शियां ज्यादा और चमकदार बनेगी, साफ बनेगी, तो वॉशिंग मशीन का भी और ये कर सकते हैं। फिर हम पोछे का जो पानी लगाते हैं बाल्टी में लेके, यदि पोछा लगाते हैं तो बाल्टी का जो पानी हम फेंक देते हैं उसका भी हम बगीचे में उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसा और पुनर्उपयोग जो है वह भी हम, और पानी का हमने करना चाहिए। तो यह अपने हरित घर में, और पहली बात हुई घर का पानी घर में, दूसरा बात है घर का कचरा घर में। तो कचरा घर में कैसे रखेंगे, जरा सुनने में अजीब लग सकता है हमें, किंतु हम सोचे तो हम बहुत सी बातें ऐसी रहती कि वो कचरे में डाल देते हैं, जबकि उसका और कचरे में हम और डाले नहीं तो भी काम चल सकता है। तो सबसे पहली बात है, और उसका काफी प्रचार भी होता है, कि गीला कचरा और सूखा कचरा जो है उसको हमने अलग अलग करना चाहिए, और अलग अलग ही उसको बाहर जो गाड़ी आती है कलेक्ट करने के लिए उसमें देना चाहिए, किंतु इसका हम साधारणतः उपयोग इस बात का ध्यान में नहीं रखते। तो गीला कचरा है ना, जो ऐसा कचरा है जो सड़ जाता है, उसमें मोटे तौर से और अपने फल सब्जियां हैं, इनके डंठल है, छिलके हैं, तो यह बातें आती है, और इनको हम यदि अलग करते हैं और इनको हम कचरे में भी नहीं डालेंगे, हम अपने घर में ही रखेंगे, तो इसका और हम खाद बनाने में उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए बहुत कोई आवश्यकता नहीं रहती, हमारे पास बहुत बड़ी जगह नहीं है तो भी हम उसका खाद बना सकते हैं। एक मटका भर चाहिए, मटके में हम उसको डालते जाएंगे, बीज में मिट्टी डालते जाएंगे, उसकी एक विधि है, उसको यदि हम सीख लेते हैं तो वह और हम उसका खाद बना सकते हैं, तो हमारा कचरा काफी कम हो जाएगा। दूसरा जो सूखा कचरा है, उसमें दो प्रकार के आते हैं, एक तो प्लास्टिक आता है, कांच आती है कि जो उसका कुछ गलता ही नहीं है, और दूसरा जो है वो सेल्यूलोज वाला है हिस्सा, यानी कागज है, गत्ते हैं, पुट्ठे हैं, पैकिंग के ऊपर जो आने वाले हैं यह आते हैं, तो यह इतने ज्यादा खतरनाक नहीं है पर्यावरण के लिए, क्योंकि वो महीने दो महीने तीन महीने में गल जाएंगे, वो कचरे के रूप में वहां पे अपने नहीं रहेंगे, किंतु यह जो है इसको भी हम यदि कचरे में डाल देते हैं तो हम अपना और बहुत बड़ा नुकसान इस संदर्भ में करते हैं, कि यह जो सेल्यूलोज से बने जितनी चीजें हैं उनके लिए और पेड़ काटना पड़ते हैं, और यह जो पेड़ काटने की बात है, हम यदि इसका पुनर्उपयोग कर ले तो और बहुत बड़ी मात्रा में और पेड़ों को काटने से हम और बचा सकते हैं। तो इसमें जो कागज है, गत्ते हैं, तो कागज तो मोटे तौर से रद्दी पेपर आता है, और कुछ लोगों की अच्छी आदत है कि वो रद्दी पेपर जमा करके रखते हैं और महीने के महीने या दो तीन महीने में एक बार और उसको कबाड़ी को जाके बेच देते हैं, उससे कुछ आर्थिक अपने को लाभ भी होता है, किंतु बहुत बड़ी संख्या में हमारे घर में पेपर के अलावा और गत्ते से बनी चीजें आती है, यानी पैकिंग के ऊपर आती है। हमने मान लो कोई दवा की बोतल खरीदी, तो हमारा वो जो बोतल रहती है वो साधारणतः गत्ते के इसमें कार्टन में आती है, हम कार्टन फेंक देते हैं, या कुछ बड़ी चीजें भी आती है वह भी और पैकिंग में जो आती है, कुछ तो बहुत बड़ी चीजें आती है वह भी आती है, और हम मान लो कि कुछ बाजार से सामान मंगवाते हैं तो कई जगह और कार्टन जो है पुट्ठे के बने रहते हैं, इन पुट्ठे के बने कार्टन को हम साधारणतः और कचरे में डाल देते हैं, कचरा वाला ले जाता है, उसमें कचरे की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और उसको और कचरे को जो निपटा करना है उसमें और एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। हम अपने घर में ही यदि उसको रखते हैं
और वह जो कार्टन है उसको और फैला कर रखते हैं और थोड़ा यदि जमा कर लेते हैं तो 2-3 महीने में जितने कार्टन हमारे जमेंगे वह हम और कबाड़ी को दे सकते हैं, कबाड़ी उसको और कुछ ना कुछ चीज में खरीद कर दे सकता है। उसमें बहुत छोटी छोटी जो कार्टन रहते हैं, अपनी माचिस की टिकिया है, माचिस की डिबिया है, वह भी गत्ते से बने रहती है, या हमारे यहाँ कार्ड आते हैं, निमंत्रण पत्र आते हैं, वह भी गत्ते के बने रहते हैं, इनका भी उसमें और हम यदि इकट्ठा करके रखें और वह यदि कबाड़ी को पहुंचाएं तो उसमें से हमें कितने पैसे मिलेंगे यह महत्व की बात नहीं है, और कचरा जो है बचा लिया है यह होता है। तीसरी बात, जो प्लास्टिक का कचरा है वह तो निश्चित रूप से हमने और कचरे में डालना नहीं चाहिए। प्लास्टिक के कचरे में 2-3 प्रकार के कचरे आते हैं, एक तो प्लास्टिक की ऐसी बोतलें कि जो बहुत मजबूत रहती है तो उनको हम क्रश नहीं कर सकते, और दूसरी बोतलें पानी की वगैरह है उसको तो हम क्रश कर सकते हैं, और फिर तीसरा जो है वह पन्नियां आती हैं जो हम सब्जी वब्जी लेने के लिए आते हैं, बहुत बारीक पन्नियां रहती हैं, और चौथी कुछ प्लास्टिक की जो थैलियां रहती है वो इतनी बारीक तो नहीं रहती किंतु जरा मोटी सी रहती है। ऐसे 3-4 प्रकार की और प्लास्टिक के और हमारे घर में आते हैं, तो इनमें से सबसे बड़ी बात है कि हमने और जो सब्जी लेने वगैरह जाते हैं उस समय तो हम झोला लेके जाएंगे तो प्लास्टिक जो आएगा नहीं, किंतु यदि फिर भी आता है तो इसको निपटाने का एक अच्छा तरीका है कि जो बोतल रहती है पानी की बोतल जो हम फेंक देते हैं या क्रश कर देते हैं, और जो एक कहानी है पुरानी कि एक जिन्न निकला और उसको बाद में और वह तकलीफ देने लगा तो उसको बोतल में बंद करके फिर से उसने समुद्र में फेंक दिया, वो हम लोग कहानी जानते हैं। तो ये प्लास्टिक का जिन्न जो है वह भी हम प्लास्टिक की बोतल में रख सकते हैं, भर सकते हैं, उसमें बहुत बड़े प्लास्टिक तो काम नहीं आएंगे किंतु साधारणतः जो सब्जी वालों जो अपने को देते हैं रंगीन प्लास्टिक, सफेद वाले प्लास्टिक वाले पन्नियां उनको हम भेजें। यह ज्यादा खतरनाक इसलिए रहती है कि वह छोटी रहती है, हल्की रहती है, और हल्की रहने के कारण और वह हवा में बहते हुए और बहुत दूर तक फैल जाती है, तो इसलिए इनको जिन यह जो जिन है प्लास्टिक का इसको हमें वो बोतल में और भर के रखना यह और एक अच्छा तरीका है। और उन बोतल का क्या करना, तो वो बोतल जो है वास्तव में और मैं अपने घर में करता हूँ और वो बहुत अच्छी सुंदर दिखती है, रंगीन पन्नियां रहती है तो वो बहुत दिखने में सुंदर दिखती है, उसको हम यदि लटका के रख दे तो वो शो का भी काम करती है, उसको हम यदि बगीचे में लगा दे तो बगीचे में जो अपन ईंटों की बॉर्डर करते हैं उसके जगह उसका उपयोग कर सकते हैं, या उसको जो है ऐसा ही रख दे तो हम काफी बड़ी संख्या में और जो पन्नियों का प्रदूषण है उसको रोकने में और सफल हो सकते हैं। एक और बात है कि आजकल अपने यहाँ और पिछले 15-20 साल से यह प्रचलन हुआ है कि हम पेपर नैपकिन का उपयोग करते हैं, तो पेपर नैपकिन का उपयोग भी वो पेपर है, इसका मतलब वो पेड़ से काट कर बनाया है और हम बहुत बड़ी मात्रा में उसका करते हैं। पहले तो और केवल बड़े बड़े जो अपने फंक्शन हुआ करते थे उसमें पेपर नैपकिन का उपयोग होता था, किंतु आजकल हमने और अपने घरों में भी रखना चालू कर दिया है, बल्कि उसको हम और स्टेटस सिंबल भी और समझने लगे कि भाई कोई यदि आता है तो हम उसको और पेपर नैपकिन दे। यह हम टाल सकते हैं, पेपर नैपकिन की जगह हम और जो नैपकिन रहते हैं तो वह उसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत मोटे नैपकिन नहीं है, उसके लिए हम कुछ हल्के नैपकिन की जो हम बार बार धो सकते हैं, इस प्रकार के नैपकिन आते हैं, जो दूध की पन्नियां आती है प्रतिदिन 2-3 पैकेट आते हैं, या तेल वेल की पन्नियां आती जो मोटी रहती है, इनको और एक तार में और टोच के रखना और महीने भर में जो इकट्ठा हुई है वह हम कबाड़ी को दे देना। मान लो कबाड़ी हमारा उसका एक भी पैसा नहीं देता तो भी चलेगा, किंतु वो कबाड़ी जो है वह उसको और रिसाइकलिंग में तो जरूर देगा और पर्यावरण का नुकसान होने से हम उसको बचा सकते हैं। हरित घर में जो तीसरी बात है, पहली बात हमने देखी घर का पानी घर में, दूसरी बात हमने देखी घर का कचरा घर में, और जो तीसरी बात है वह है ऊर्जा का उत्पादन और ऊर्जा की बचत। तो ऊर्जा का उत्पादन यानी हमारे यहाँ हम जो भारतवर्ष है वह इस मामले में बड़ा और भाग्यवान है कि हमें और सौर ऊर्जा जो है बहुत बड़ी मात्रा में और वर्ष के और लगभग 9-10 महीने तक पर्याप्त मात्रा में हमें मिलती है,
और हम इसका उपयोग कर सकते हैं, हम अपने घर में भी कर सकते हैं इसका उपयोग। बाकी जो बड़े पैमाने में करना है वह तो जैसा करेंगे करेंगे, किंतु आज चूंकि हम केवल अपने घर के लिए बात कर रहे हैं, तो जो सोलर पैनल बनते हैं, सोलर सेल बनते हैं, जिससे वो सीधी सीधी ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो यह हम अपने घर में लगा सकते हैं। उसमें कुछ खर्चा जरूर आएगा, हम यदि अपने घर के मालिक हैं, खुद अपना स्वयं का घर है तो उसके छत के ऊपर हम लगाएं, तो उसमें हमें दो बातें होगी। गर्मियों के दिनों में हमारा जो ऊपर वाला कमरा है वह ठंडा भी रहेगा और यह जो है बिजली उत्पादन भी होगी। और अपने यहाँ जो बिजली की कंपनी है मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, उसके द्वारा यह ऐसी योजना है कि यह जो बिजली बनती है यह हम अपने घर में तो उपयोग में लाते ही हैं, और मगर मान लो ये हमारे पास और सरप्लस में बिजली हम बनाते हैं, तो वह और बिजली खरीद कर उतने जो पैसे हैं वो हमारे बिजली में से, बिजली के बिल में से कम करते हैं, ऐसी व्यवस्था है। तो इसमें हो सकता है 1,00,000 रुपए अपने को लगाना पड़े प्रारंभ में, किंतु उसमें भी और सरकार की ओर से बहुत बड़ी मात्रा में, मेरे ख्याल से 40-50% तक या इससे भी ज्यादा मात्रा में और सब्सिडी दी जाती है, लोन दिया जाता है। तो इस सब्सिडी और लोन का उपयोग करके यदि हम अपने घर में और सोलर संयंत्र लगा लें, तो हम और काफी बड़ी मात्रा में बिजली की बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और हमारे स्वयं का जो बिजली का बिल है उसको हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे स्थान, छोटे मात्रा में हमें यदि मान लो सोलर नहीं लगाना है या नहीं लगा पा रहे हैं, हम किराए के घर में रहते हैं तो भी, और सोलर लैंटर्न आते हैं यानी कंदील जिसको कहना चाहिए, उसमें एक छोटा सा पैनल रहता है, दिन भर में हम उसको और बाहर लगे रहे तो वह और बिजली बना के अपने पास में स्टोर करता है, और रात में 4-5 घंटे और कम से कम जो है वह जो कंदील है या जो लालटेन है वह और प्रकाश देती है। बहुत बड़ा प्रकाश तो नहीं है किंतु हम कमरे में और काफी कुछ अपना काम कर सकते हैं, ऐसा उसका प्रकाश रहता है। तो यह जो सोलर लैंटर्न है या सोलर लालटेन है वो हम खरीद सकते हैं। इसके अलावा बगीचे में लगाने के लिए भी आजकल सोलर से चलने वाले और लाइट आती है, वह केवल अपने को मिट्टी में खोस देना है, उसको कोई न कनेक्शन करना है न कुछ करना है, उसके ऊपर एक पैनल रहता है छोटा सा, वह दिन में और बिजली बनाता है और रात भर में और अपने छोटा सा जो है अपना जो प्रकाश है वो अपने बगीचे में और फैलाता है। तो चूंकि वह नीचे रहता है जमीन से 1-1.5 फीट ऊपर, तो बड़ा अच्छा दृश्य भी दिखता है और एक उसका उपयोग भी हम कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ सोलर लाइट आते हैं, एक अपने जो मकान का जो प्रवेश द्वार है उसमें भी लगने वाला सोलर आता है, उसमें दिन भर में वह जो है लाइट जो है ऑन अपना बिजली बना लेता है, और दिन रात में फिर वह जो है और बिजली और का प्रकाश जो अपने को देता है। तो इस प्रकार का और ऊर्जा के उत्पादन में हम कई प्रकार से और अपनी मदद कर सकते हैं। फिर दूसरी बात आती है उत्पादन के साथ साथ ऊर्जा की बचत। तो ऊर्जा की बचत के लिए और अभी पिछले 4-5 वर्षों से और हम सब लोगों ने और जो परंपरागत टंगस्टन के फिलामेंट बल्ब है उनको और छोड़ दिया है, आजकल तो शायद बाजार में मिलते भी नहीं होंगे, और उनके जगह हम LED के बल्ब उपयोग में और लाना प्रारंभ कर दिए हैं। ट्यूबलाइट वगैरह भी लगाते हैं, अभी पुरानी जिनके पास है वो चल रही है, किंतु सस्ते और मितव्ययता का उपयोग करते हुए ज्यादा से ज्यादा प्रकाश देने वाला ऐसा यह और जो है और LED बल्ब रहते हैं, 8-10 वाट के इससे और अपना एक 12x15 का कमरा जो है बड़ा अच्छा प्रकाशित हो जाता है। तो यह एक इसका यदि हम उपयोग करते हैं तो हम काफी मात्रा में और सकते हैं। दूसरी बात बचत के लिए एक कमरे में हम 2-3 प्रकार के लाइट लगाएं। एक यदि मान लो हमें पूरा प्रकाश कमरे में चाहिए तो बड़ा लाइट लगाएं, तो वो लगा के रख दें, जिस समय आवश्यकता हो उसके ऑन करें, मगर हर हमेशा हमें और पूरे कमरे में और बहुत ज्यादा और प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती, और तो उसके लिए एक हाथ कनेक्शन जो है वो छोटा भी हम 5 वाट का 6 वाट का LED लगा दें तो उसका भी हम कर सकते हैं, जिस समय हम कमरे में नहीं रहते तो उस समय और वो छोटा वाला बल्ब जलता रहे, या मान लो आवश्यकता नहीं हो तो बंद भी कर दे। तो इस प्रकार का और हमें कुछ
पढ़ने लिखने का काम करना है तो टेबल के बैठ के करना है, तो हमारा जो टेबल लैंप है उसमें बहुत छोटा सा बल्ब से भी काम चलता है, उसके लिए हमें वो पूरे प्रकाश कमरे में वो प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती। तो ऐसे दो तीन प्रकार की जो प्रकाश की व्यवस्था है, तो यह हम यदि अपने घर में करते हैं तो उसमें भी हम और काफी कुछ ऊर्जा की और बचत कर सकते हैं। फिर एक बात अपने को ध्यान में रखना है, रखते हैं हम लोग कई, कि हम जिस समय कमरे में नहीं रहते उस समय उस कमरे का और लाइट, फैन, टीवी, उसमें जो भी कुछ उपकरण चल रहे हैं उनको हमने बंद करना चाहिए, हमारे आदत लगना चाहिए। कमरे से बाहर निकलते हैं स्विच बंद कर दे, हमें वास्तव में यदि मान लो तुरंत और दो चार पांच मिनट बाद भी कमरे में आना है तो हम सोचते हैं यार पांच मिनट बाद तो मुझे अंदर आना ही है, चलने दो, किंतु पांच मिनट में भी और काफी और बिजली खर्च होती है। तो इस बात का भी हम ध्यान रखें कि हम कमरे से बाहर निकलेंगे स्विच ऑफ करेंगे, लाइट का, पंखे का, यदि टीवी है तो टीवी का, और जब कमरे में आते हैं तो फिर हम चालू कर सकते हैं। तो यह जो स्विच ऑन ऑफ है इसके द्वारा भी हम और बचत कर सकते हैं। चौथी बात है, जो लोग एसी उपयोग में लाते हैं तो उन्होंने और इस बात को ध्यान रखना है कि हमें एसी जो है 24 डिग्री 25 डिग्री के लगभग हमारे लिए बड़ा प्लेजेंट ऐसा रहता है, किंतु कुछ लोग अनावश्यक रूप से 17 डिग्री 18 डिग्री तक और कमरे को ठंडा करके और उसमें फिर उसका आनंद लेते हैं, उसके ऊपर फिर कंबल ओढ़ कर हम और सो जाते हैं। तो वास्तव में यह और बहुत ज्यादा बिजली खाने वाला जो है या एसी रहता है, और हम अनावश्यक रूप से यदि मान लो हमने ऐसी आदत लगा ली है कि 17-18 डिग्री में हम और कंबल लेकर सोते हैं, तो उस आदत को बदलने की आवश्यकता है। और पर्यावरण के लिए जो है बिजली की बचत जो है वो सीधी सीधी पर्यावरण के लिए और कार्बन जो नंबर रहते हैं तो उसके और ऊपर रहता है, तो हम बिजली की जितनी बचत करेंगे उतनी पर्यावरण की और मदद करेंगे। तो ऐसा यह जो है तीसरा जो है बिजली उत्पादन और बिजली की बचत यह जो करना है। इसमें हम लोगों ने एक काम करना चाहिए, हमारी जिस प्रकार की बात सुनने की आदत है, हम काम करते हैं तो हमने बिजली का ऑडिटिंग करना चाहिए, हर चीज का ऑडिट होता है, हम कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, इसका हम मोटे तौर से हिसाब किताब रखते हैं। और वैसे ही हम यदि बिजली का ऑडिट करेंगे, ऑडिट करेंगे यानी हम कितनी बिजली खर्च कर रहे हैं, ये हमारे पास मीटर है और बिजली की मीटर को हम यदि बीच बीच में देखते रहेंगे तो और उसका और लाभ होगा। संघ के और जो कार्यक्रम होते हैं संघ शिक्षा वर्ग लगते हैं 20 दिन के, 25 दिन के, 3 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन के वर्ग लगते हैं, तो उसमें काफी बड़ी मात्रा में और बिजली और खर्च होती है। तो पहले ही दिन और यह अपन और कहते हैं कि भाई आज जो पहला दिन है आज हमें 24 घंटे में इतनी मीटर, इतनी और यूनिट बिजली खर्च हुई, ये सबको बताते हैं। और हमें बिजली को कम करना है उसके लिए क्या करना चाहिए ये एक 10 मिनट में उनको समझाते हैं, और बाद में दूसरे दिन बताते हैं कि भाई आज हमने इतनी और यूनिट हमारी खर्च हुई, तीसरे दिन फिर बताते हैं। तो हमारा सबका अनुभव यह है कि 5-6 दिन बाद पहले दिन जितनी बिजली खर्ची हुई है उससे आधे से भी ज्यादा कम यानी 50% तक बिजली की बचत और होने लगी है, यह अनुभव आता है। और बचे हुए जो 15-20 दिन है उन 15-20 दिन में वह रहता है। तो यह ऑडिटिंग की आदत जो है हम अपने परिवार में भी लगा सकते हैं, हमें कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रतिदिन यदि मान लो बिजली का मीटर रीडिंग नहीं भी ले तो भी, और हफ्ते में हम एक दिन तय कर ले कोई सोमवार के दिन या रविवार के दिन कि हम एक बार मीटर ले ले और रीडिंग ले ले, और पिछले हफ्ते में हमने कितनी बिजली खर्च की, इस हफ्ते में हमारी कितनी बिजली खर्च हुई, इसका हम और हिसाब लगाए। और यदि ज्यादा खर्च हुई है तो क्यों खर्च हुई है, यानी उसमें कोई कंजूसी नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अनावश्यक रूप से और हम अंधेरे में बैठे रहे घर में, या हमें और आवश्यकता है टीवी तो हम देखें नहीं, या पंखे की आवश्यकता है तो पंखा हम चलाएं नहीं, इस प्रकार से मैं बात नहीं कर रहा हूं। हमें जितनी आवश्यक है उतनी बिजली तो हमें और खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, किंतु फिर भी हम ये जो जो बचत की बातें हैं वह बचत की बातें को पालन करते हुए हम कितनी बिजली कम किए हैं, तो ऐसा हम देखेंगे तो हमें और हर हफ्ते में भी यदि मान लो इसका ऑडिटिंग रखा तो उसका काफी अच्छा लाभ और होता है, यह और अनुभव की बात है। इसमें सीधा सीधा हमारा और बिजली का बिल भी खर्च होगा, कम होगा, और हमारे पर्यावरण के लिए भी हम
और लाभ कर सकते हैं। तो यह तीन बातें हुई, अपने घर की बिजली, घर का पानी घर में, घर का कचरा घर में, और बिजली की बचत और बिजली का उत्पादन। चौथी बात जो हम अपने घर में कर सकते हैं वह, और पक्षी घर अपने घर में रखना। हम लोग यदि विचार करें कि हम यहाँ पे अपने घर बनाकर आए हैं, हम कॉलोनी में रहते हैं या जहाँ कहीं भी रहते हैं, तो यहाँ आज 25 साल पहले 30 साल पहले क्या था, तो हमें ध्यान में आएगा कि यहाँ जंगल था, यहाँ पेड़ पौधे थे और उसके ऊपर और पक्षी रहा करते थे। आज तो वह सब जंगल जो पेड़ पौधे जो है वह सब कट गए, उन्होंने उसके जगह हमने अपने घर बना लिए, बड़े आलीशान घर बना लिए, 12-12, 15-15 मंजिल की और इमारतें हमने तान दी। तो यह जो पक्षी थे ये कहाँ चले गए, तो यह तो खत्म हो गए क्योंकि उनका बसेरा ही नहीं रहा। और पक्षी जो है यह अपने प्रकृति का एक अभिन्न अंग है, केवल पक्षी नहीं, हर प्राणी जो है वास्तव में प्रकृति का विभिन्न अभिन्न अंग है, और प्रकृति का जो पूरा संचालन होता है उसमें उसका एक महत्व है। हम यदि मान लो और स्टडी करें, ऐसी स्टडी हुई भी है कि कुछ विशिष्ट प्रकार के पक्षी या कुछ विशिष्ट प्रकार के प्राणी या कुछ विशिष्ट प्रकार के पेड़ पौधे किसी एरिया से हटा दिए जाए तो उसका और जो परिणाम होता है वह बहुत क्या परिणाम होता है, इस प्रकार की वह स्टडी हुई है। तो यह जो है पक्षी है प्राणी है यह हमारे लिए उतने ही आवश्यक है जितने बाकी पेड़ पौधे आवश्यक है। तो क्या हम अपने घर में अपने स्तर पर और एक पक्षी घर बना सकते हैं क्या, लकड़ी के पक्षी घर बना सकते हैं, लकड़ी के नहीं तो पुट्ठे का अपना जो है अपने आप पैकिंग में जो डब्बे आते हैं उनको ही अपने एक छेद बना दिया, आने जाने के लिए रास्ता बना दिया, तो वह पक्षी घर बन सकता है। और उसको हम बाहर रखें तो ऐसा जो पक्षी घर है वह पक्षी घर जो है यदि हम बनाते हैं तो उसमें पक्षी आकर रहने लगेंगे। उसी प्रकार और पक्षियों के लिए पानी पीने के लिए सकोरे रखना, यह भी हम करते हैं कि तो यह केवल गर्मियों के दिनों में करते हैं और यह जो है हम वास्तव में 12 महीने कर सकते हैं। और फिर पक्षियों के लिए दाना वगैरह पर ये रखें, हम मेरे मुट्ठी दो मुट्ठी दाने जो है प्रतिदिन हम रखते हैं सकोरे में, तो सकोरों में पानी रखना, सकोरों में और दाने रखना, यह यदि हम करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे परिसर में और पक्षियों की संख्या बहुत बढ़ गई है और उसका लाभ जो है डायरेक्ट हम समझ में नहीं आएगा किंतु और अपरोक्ष रूप से और पर्यावरण को ठीक करने में और होता है। तो ऐसा ये जो पक्षी घर है तो यह भी हमने यदि लगाता तो ये चौथा बात है जो है वह हम अपने और घर में कर सकते हैं। और पांचवा जो बात है वह वृक्षारोपण हम सब लोग करते हैं, उसके बारे में बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, किंतु वृक्षारोपण में जो दो तीन बातें ध्यान रखने की है कि हमने यदि वृक्ष लगाया है तो उसकी ओर हमें साल भर तक ध्यान रखना है। जिस प्रकार हमारे घर में और नया बच्चा पैदा होता है तो हम उसकी पूरी हिफाजत करते हैं और उसकी ओर पूरा विशेष ख्याल रखते हैं, वह उसको पूरा पोषण मिले इसका ख्याल रखते हैं, वह यदि बीमार होता है तो बीमार न पड़े इसका हम ख्याल रखते हैं, यदि बीमार होता है तो तुरंत समय पर उसकी दवा दारू करके और उसको ठीक करते हैं। तो इसी प्रकार यह जो वृक्ष हमने लगाया है वह एक प्रकार से हमारा बेटा है, हमारे परिवार का ही एक अंग है, यह ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की हम चिंता करेंगे तो वह वृक्ष और बड़ा होगा। किंतु वृक्ष लगाना हर एक के लिए संभव नहीं है, क्योंकि हमारा स्वयं का मकान होना चाहिए, वह भी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए, थोड़ा सा जगह होना चाहिए और उस जगह भी इतनी पर्याप्त होना चाहिए कि उसमें वृक्ष बने। तो यह सब यदि है तो हम वृक्ष का कर ही सकते हैं। इसके अलावा किसी के पास यदि बहुत बड़ी जगह है या अपने पास यहाँ पे नहीं है किंतु हमने कोई और फार्म हाउस वगैरह है तो वहां पे तो हम पंचवटी लगा सकते हैं। पांच प्रकार के वृक्ष और अपने यहाँ बताए गए हैं और उसमें हम जो है बरगद, बेल, पीपल, आंवला और अशोक, यह पंचवटी मानी जाती है और उसको और उसका एक साइंस है, उस साइंस के हिसाब से किस दिशा में कौन सा पेड़ रहे और किस दिशा में कितने दूरी पे वह पेड़ रहे, ऐसा जो रहता है पंचवटी का विज्ञान है, उसके नाम से यदि हम लगाते हैं तो हम पर्यावरण का और का लाभ कर सकते हैं। किंतु यह बात हम कर नहीं सकते अपने परिवार में, अपने परिवार में यदि हमारे पास स्वयं का बगीचा नहीं है,
हम यदि मान लो तीसरे मंजिल पर रहते हैं, चौथे मंजिल पर रहते हैं, तो भी हम और वृक्षारोपण तो नहीं कर सकते हैं, किंतु हम और कुछ ऐसे पौधे हैं जो हैं जो छोटे रहते हैं, बहुत बढ़ते नहीं हैं, ऐसे पौधों को हम गमलों में लगा सकते हैं, बरामदे में लगा सकते हैं। और यदि मान लो हमारे पास छत है, हम सबसे ऊपर वाले मंजिल पर रहते हैं, तो उस छत में जो है हम और एक एक फीट डेढ़ फीट का और मिट्टी का लेयर बना के उसमें लगा सकते हैं। अपने यहाँ संघ का जो कार्यालय है समीधा, उसमें और हम यदि कभी जाते हैं तो हम जाकर और जरूर देखें वहां पर। और पूजनीय सुदर्शन जी की प्रेरणा से और उस समय से और काफी बड़ा अच्छा बगीचा वहां पे बनाया है, और उसमें आवश्यक रूप से जितने फल पौधे फल और फूल है और सब्जियां हैं वो वहाँ उगाते हैं, और काफी बड़ी मात्रा में उसका उपयोग वो वहाँ करते हैं। तो हम कुछ ना कुछ मात्रा में फल फूल की सब्जियां वगैरह जो है इसका उत्पादन कर सकते हैं। मान लो इतना करने की भी हमारे पास गुंजाइश नहीं है, तो हम कुछ औषधीय पौधे हैं, धनिया है, हरी मिर्च है, यह लगाने वाली जो है वह तो हम गमलों में भी लगा सकते हैं। और तो हम कम से कम 5 औषधीय पौधे और 5 ऐसे छोटे पौधे जो ऑक्सीजन देते हैं वह हम लगा सकते हैं। तो ऐसे जो पौधारोपण यानी वृक्ष वाला जो बात है वह हम पूरा वृक्ष नहीं कर सकते, तो हम छोटे मात्रा में भी और हम कर सकते हैं। तो ऐसा और जो है यह जो 5 चीजें मैंने बताई, यह हम अपने परिवार में अपने घर में कर सकते हैं। तो इसको हम जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था, हर चीज हर व्यक्ति नहीं कर सकता, हमारी जैसी स्थिति है उसके अनुसार और इसमें से हम करें, किंतु करने के बाद में सबसे पहली बात तो है कि हमें और ये निश्चय करना है कि हम इसमें से ये चीज करें। हम सब चीजें नहीं करें, हम कुछ 3-4 बातें हम तय कर लें कि हाँ भाई ये मैं करूंगा और उसको हम निश्चित रूप से करें। और करते के बाद में हम जब निश्चय करते हैं तो कुछ समय बाद हम और उसमें ढीले पड़ जाते हैं, तो वह ढीले न पड़े इसलिए हम आपस में मित्रों के द्वारा यदि समूह में यह बता दे कि भाई मैंने यह निर्णय किया है, मैंने यह संकल्प लिया है हरित घर का इसमें और यह जो चीजें हैं और यह मैं कर सकता हूँ तो यह मैं करूंगा, करने वाला हूँ, और उसकी कैसी कैसी प्रगति है यह यदि हम मान लो आपस में शेयर करते रहें, तो इसके लिए हम अपने सोसाइटी में रहने वाले जो है वह 5-10 लोगों का समूह बना सकते हैं। हम एक साथ काम करने वाले हैं, एक कॉलेज में पढ़ने वाले हैं या एक कॉलेज में पढ़ाने वाले हैं या एक कॉलोनी में रहने वाले हैं, कवर्ड कैंपस में रहने वाले हैं, तो हम ऐसा समूह बना के इस समूह के द्वारा और महीने में एक बार मिलकर और हम हमारी क्या प्रगति है और हमारे क्या अनुभव है और इसका हम शेयर करें, तो हम जो हमने संकल्प लिया हुआ है उस संकल्प को और टूटेगा नहीं, तो यह जो हरित घर का संकल्प है वह हम सभी लोग ले। इसमें जो 5 बातें बताई है, घर का पानी घर में, घर का कचरा घर में, ऊर्जा बचत और ऊर्जा का उत्पादन, पक्षी घर और वृक्ष या छोटे पौधे लगाना, ये जो 5 बातें हैं, इन 5 बातों में से जो जो बातें बताई है उनमें से जो जो हम कर सकते हैं उसका हम संकल्प लें, और संकल्प लेने के बाद में हम एक ऐसे 8-10 लोगों का अपना समूह बनाए और जिनमें हम यह संकल्प लिया हुआ या आपस में और शेयर भी करें, और महीने में एक बार हम इसकी और एक ऑनलाइन बैठक ले, या मान लो प्रत्यक्ष रूप से मिल सकते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से, या टेलीफोन पे बात करते हुए हम अपने अपने अनुभव बताएं और हमने इसमें यह किया है, इसका यह लाभ हुआ है, ऐसा यदि हम शेयर करें तो मैं समझता हूँ कि हरित घर का हमने जो संकल्प लिया है वह लंबे समय तक चलेगा या हमेशा के लिए चलेगा। यदि मान लो हमें ऐसा नहीं किया, हमने सिर्फ संकल्प ले लिया और हमने किसी को बताया नहीं और किसी के साथ हमारी और बातें वगैरह नहीं हुई, कोई गोष्ठियां नहीं की, कोई हमारे अनुभव शेयर नहीं किए, तो और हो सकता है इस बात की बहुत बड़ी संभावना है कि यह संकल्प जो है हम कुछ दिनों बाद और भूल जाएंगे। तो इसलिए संकल्प लेना और संकल्प लेने के बाद में और वह पूरा बनाए रहे इसके दृष्टि से, और ऐसे समूह बना के और गोष्ठियां करके आपस में बातचीत करके टेलीफोन पे एक दूसरे से पूछताछ करते हुए, क्यों भाई तुम बंद तो नहीं किए हो, तो ऐसा हम यदि करते हैं तो यह जो हरित घर का संकल्प अपने लिया है या लेने वाले हैं वह लंबा समय तक चलेगा और इसमें हमें बड़ा आत्मिक समाधान मिलेगा, क्योंकि मैंने ये जो बातें बताई है इनमें से कुछ बातें मैं कर रहा हूँ और वह जो आत्मिक समाधान है
वो वास्तव में उसका कोई मूल्य नहीं है। मैं जो कचरे के बारे में कर रहा हूं कि हमारा जो 75% कचरा मेरा कम हो गया, तो ये वास्तव में बहुत अच्छी बात है और उसका जो एक आनंद मुझे है, और केवल मुझे नहीं तो मेरे परिवार वाले, पहले तो उन्होंने कहा कि अरे ये क्या कर रहे हो आप, बोतल में प्लास्टिक भर के रहे हो उसमें और 2-3 मिनट रोज आपके खर्च कर रहे हैं, किंतु बाद में उनको भी समझ में आया कि नहीं वास्तव में इसका आनंद है। हमारा जो कचरा कलेक्शन करने वाला है उसके भी ये बात ध्यान में आई, भाई साहब आपके यहाँ तो कचरा बहुत निकलता ही नहीं है, तो और जो पुट्ठे और ये जो है इसका जो है वह, और जो जब कबाड़ी को मैं देता हूँ तो उसमें से और कुछ रूप से कुछ और आर्थिक लाभ भी निश्चित रूप से होता है। तो यह जो बात है हरित घर वाली जो बात है, यह हम सब लोग है इसका संकल्प करें और इसका संकल्प टूटे नहीं, इसके लिए छोटे छोटे समूह बनाकर हर आपस में चर्चा करना और आपस में एक दूसरे को पूछताछ करना, यह हम करें, यह आवश्यक है। इसके लिए यह इसलिए आवश्यक है, इसके लिए एक मैं उदाहरण देता हूं कि आजकल तो और सिगड़ी जलती नहीं है, पहले कोयले की सिगड़ी जलाया करते थे हम लोग, तो सिगड़ी में जो कोयला जलता है तो 10-12-15 कोयले जो है वह इकट्ठा होकर जलते हैं और वह काफी अच्छी मात्रा में और ऊर्जा देते हैं। हमने मान लो उसमें से एक आध कोयला निकालकर बाहर कर दिया सिगड़ी के, तो हम देखेंगे 10 मिनट बाद वो बुझ जाता है। तो वह बुझ गया, क्यों बुझ गया, क्योंकि वह जो 10 कोयले जल रहे थे उनके साथ में जब तक था तब तक वह और ऊर्जा देता रहा, उसकी ऊर्जा की देने की शक्ति खत्म नहीं हुई किंतु वह बुझ गया। तो ऐसा ही इस संकल्प के लिए है कि संकल्प यदि हम लोग अलग कर लिया, हमने अलग को अकेले कर लिया और हमने 10 लोगों के बाद संपर्क के में नहीं रहे हम, तो हमारी जो है उसके जो संकल्प की शक्ति है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और हम उस संकल्प से हट जाएंगे। इसलिए संकल्प लेने के साथ साथ यह जो मैं बात बता रहा हूँ जिसको 2-3 बार दोहरा इसलिए रहा हूं कि यह भी आवश्यक है। तो हम बहुत बड़ा समूह नहीं बनाए, हम 8-10 लोगों का समूह बनाए, हम आपस में मित्र हैं उनका समूह बनाए, हम एक कॉलोनी में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं उन लोगों का समूह बनाए, हम एक साथ काम करने वाले हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, या मान लो एक कार्यालय में काम करते हैं, या हम एक दुकानदार है तो दुकान के कारण हमारे आसपास के दुकानदारों का एक समूह है, तो ऐसा हम समूह बनाकर और यह संकल्प ले तो हम और पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। इतना ही मैं और कह रहा हूं, अपना समय भी समाप्त हो गया है और इसमें यदि कोई शंका की बात हो, कुछ अपने को पूछना हो तो मेरा फोन नंबर जो है वह और प्राप्त हो सकता है व्यक्तिगत रूप से वो फोन पर बातचीत करके और जो है इसके बारे में और अपनी जो कुछ पूछा है कुछ हमें बताना है तो वह आप बताया करें, तो मैं सतत और उस फोन पर और उपलब्ध रहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप आपके अनुभव मेरे साथ भी शेयर करें। आपको कुछ दिक्कतें आती है तो दिक्कतें दूर करने के लिए यदि मैं कुछ मान लो सहायता कर सकता हूं तो वहां मैं सहायता करने में भी और बड़े आनंद के साथ और तत्पर रहूंगा। इतना कहते हुए और मैं मेरा यह कथन जो है यहां पे समाप्त करता हूं। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, निश्चित रूप से आज हम लोग ये संकल्प सभी लोग लेंगे हरित घर का, जो आज भाई साहब ने विषय रखा।